फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मैकेनिक दोस्त मोहम्मद रफ़ीक, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी होंडा साइन बाइक का क्लच केबल किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका क्लच केबल, देख लीजिए, ये है आपका क्लच केबल। इसे हमें रिमूव करना है और वापस दूसरा इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, इसे हम रिमूव करने के लिए यहाँ पर दो नट लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, इसे हमें खोलना है। फ्रेंड्स, ये है 13 नंबर रिंच और यह है 12 नंबर रिंच। इसकी सहायता से हम इसे इस नट को ढीला करेंगे, उसके बाद हम क्लच केबल को रिमूव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इस तरह से आप भी रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नट ये ढीला हो चुका है, अब हम इसे इस तरह से रिप्लेस करेंगे। इस तरह से आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। इस कवर को यहाँ से हटाएंगे और इस तरह से हम क्लच केबल को बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये केबल बाहर आ चुका है। अब फ्रेंड्स, हम इस कवर को इसमें केबल से बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स, इस कवर को हम इस तरह से इसके अंदर लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इस कवर को इसमें लगा देंगे। आप भी इसे हाथ से आसानी से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसे लगा दिया है। फ्रेंड्स, इस केबल को हम यहाँ पे इस तरह से पहले डालेंगे। आप देख सकते हैं, इसे हम इसके अंदर डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसे इस लीवर के अंदर लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक होल है। फ्रेंड्स, आप इसी होल में क्लच केबल को इंस्टॉल करेंगे, जो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसमें लगा देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हमने इसे लगा दिया है। आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। अब हम इस कवर को फ्रेंड्स यहाँ पे लगा देंगे आराम से। देख सकते हैं, अभी लग चुका है। फ्रेंड्स, हम इसे अब इसके अंदर डाल देंगे क्लच केबल को। इस तरह से आप देख सकते हैं कि केबल कहाँ से आई हुई है, उसके बाद हमें इसमें डालना होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम केबल को इसके अंदर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं, अब ये लग चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे इसके मुंह को इसके अंदर इस तरह से लगाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसे लगा रहे हैं, अब ये लग चुका है। अब हम क्लच केबल को ऐसे हाथ से खींचेंगे, उसके बाद इस नट को इस तरह से घुमाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसे घुमा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम क्लच केबल को चेक करेंगे कि हमारा क्लच केबल कितना टाइट है। फ्रेंड्स, हम इसके क्लच को चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इसमें 3 mm तक फ्री प्ले है। तो फ्रेंड्स, ये प्ले बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके नट को यहाँ पे, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसके नट को हम यहाँ पे लॉक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से रिंच की सहायता से इसे टाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से बाइक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।